Hey guys and welcome back to Cosmic Ghost Rider। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा Cosmic Ghost Rider कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन अब बहुत हो चुका। वाटो द वाचर इसे और छेड़छाड़ करने से रोकेगा। कासल का घर, फ्रैंक कह रहा है। जानते हो फ्रेडो, बूढ़े होने के बावजूद भी तुम काफी कस के मारते हो। कासल ने कहा, यह बुढ़ापे की ताकत है, तुम जितना बूढ़े होते जाओगे उतने ही जोर से मारने लगोगे। मैं अब भी जानता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, और सच कहूँ तो मैं भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। मैं अभी वही सब सह चुका हूँ जो तुम सह रहे हो। जब मैं वापस आता मैं किसी से बात नहीं किया करता, और तब एक दिन बहुत देर हो गई, मैंने अपने चाहने वाले हर किसी को खो दिया। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें फैमिली की जरूरत है, फ्रैंक कहता है। घर में घुसे हुए तुम्हें 5 मिनट नहीं हुए और तुम फीलिंग्स की बात करने लगे, अब और किस बारे में बात करने वाले हो। तब फ्रांसिस बाहर आता है। डैड, मॉम कह रही है कि मैं तब तक खाना नहीं खा सकता जब तक सभी लोग बैठ नहीं जाते, इसलिए मुझे गैलेक्टस बनने पे मजबूर मत कीजिए। फिर तो इन लोगों के बीच खाने की होड़ सी लग जाती है। मारिया कहती है, गैस ये कोई रेस नहीं है, हम नॉर्मल लोगों की तरह खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। कासल ने कहा, माफ करना, घर का खाना खाए हुए काफी दिन हो गए। फ्रांसिस ने कहा, तुम लोग हार मान रहे हो, इसलिए तुम में से कोई भी डिनर चैंपियन नहीं बन पाएगा, फ्रैंक कहता है। मारिया, मैं सोच रहा था कि फैमिली को एक साथ टाइम गुजारे हुए काफी दिन हो गए, क्यों ना हम सभी कल जाकर सेंट्रल पार्क में मजे करें। मारिया को ये बात पसंद आई। फ्रैंक लिसा और फ्रांसिस से वहाँ चलकर एक गेम खेलने के लिए बोलता है। फ्रांसिस ने पूछा, क्या मुझे पैंट पहननी पड़ेगी? दोनों पेरेंट्स ने कहा, हाँ, और एक शर्ट भी। फ्रांसिस कहता है, तब मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं कल पहुँच पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। बच्चे अंकल फ्रेडो से साथ चलने के लिए पूछते हैं। हालांकि कासल थोड़ी सी नौटंकी करता है, लेकिन वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क। तो वो दिन आ गया जिसका इतनी सदियों से इंतजार था, वो दिन जिसने मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी, वो दिन जब मेरी फैमिली मारी गई थी। मैं हर रात इस दिन के सपने देखता हूँ। पहले मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर किसी चीज के जोर से बजने की। मुझे लगा एक कार का टायर फटा होगा। मैंने अपनी वाइफ को चिल्लाते हुए सुना, और फिर अपने बेटे के चेहरे से गोली को गुजरते हुए देखा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कासल फैमिली की हैप्पी एंडिंग होगी। मैं कई दशकों से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, इधर उधर एक दो चीज चेंज कर देता हूँ, और मुझे इन सब का इतिहास के ऊपर थोड़ा बहुत भी फर्क दिखाई नहीं देता। तो क्या हो अगर मैं इतिहास को थोड़ा और चेंज कर दूँ? बच्चे अंकल फ्रेडो को खेलने के लिए बुलाते हैं। फ्रांसिस पूछते हैं, क्या मैं मेले के अंदर जा सकता हूँ? मैरिया ने कहा, लंच के बाद बेटा। कासल कहता है, देखो मैं तो मेले के अंदर नहीं जाने वाला। मेले के अंदर अक्सर वो बददिमाग लोग आते हैं जिनके अंदर गुस्सा भरा होता है, और अब मेले की बात हो ही चुकी है तो एक मेले के अंदर ही मैं पहली बार अवेंजर से मिला था। उस टाइम पे मैं डेली बगल के लिए एक पत्रकार का काम किया करता। उन्होंने मुझे चलते फिरते सर्कस के कुछ फोटोज लेने के लिए भेजा। कासल जोना से कह रहा है, कम ऑन, तुम मुझे सर्कस में भेज रहे हो, इस बच्चे को भेजो ना। जोना ने कहा, पार्कर के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और इसका दिमाग इतना बच्चों जैसा है कि ये सर्कस के लोगों के साथ सही से काम नहीं कर पाएगा, वो लोग दूर से ही इसे पहचान लेंगे। कासल पूछता है, और उस हल की कहानी का क्या हुआ? मैंने सुना है कि उसने एक ट्रेन पटरी से उतार दी, मैं जाकर वो कहानी कवर कर सकता हूँ। लेकिन जोना कहता है कि वो कल की खबर है। तो बच्चों, उन लोगों के पास एक स्टूपिड सा रोबोट था जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही थी, और जोना इसे अपनी मेन खबर बनाना चाहता था। गैस कासल ने वहाँ जाकर देखा कि ये रोबोट असल में हल्क है जो कि सर्कस में काम कर रहा है। कासल उस सर्कस के हेड से बात करता है, हे ये तो कोई रोबोट नहीं है, ये तो हल्क है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो हल्क से बात करने की कोशिश करता है। हल्क ने कहा, मैं हल्क नहीं हूँ, मैं रोबोट हूँ। कासल पूछता है, अगर तुम एक रोबोट हो तो ये जोकर वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? बच्चों, उस टाइम पे हल्क छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए छुप पाना इतना आसान भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि हल्क के साथ थोड़े से मजे किए जाते हैं। देखो बच्चे, अगर तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें आगे मैं जो करने वाला हूँ उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो हल्क को एक मूंगफली फेंक कर मारता है। हालांकि एक दो बार मारने से तो हल्क को कोई गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कासल बार बार मूंगफलियां मारता जा रहा है तो हल्क को बहुत गुस्सा आने लगा। हल्क मैड। तब मुझे भी अपने असली रूप में आना पड़ा। वहीं कुछ चींटियां हम दोनों की लड़ाई को देख रही थी। वह इस लड़ाई की खबर एंटमैन तक पहुंचाती है। एंटमैन ये जानकारी अवेंजर्स को देता है, जबकि उस सर्कस के मैनेजर को हल्क को देखकर एक नया आइडिया आता है। वो चाहता है कि हल्क एक फाइटर के तौर पे काम करे ताकि वो हल्क से और पैसा कमा सके।
लेकिन तब उस सर्कस के अंदर एवेंजर्स आते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे हल्क को रोकने के लिए आया हूँ। खैर, मुझे भी ये जानकर काफी अचंभा हुआ। मैंने एंटमैन से कहा, अगर तुम हल्क को हराना चाहते हो तो उसके पिछवाड़े में घुसकर बड़े साइज के क्यों नहीं हो जाते। लेकिन एंटमैन ने मना कर दिया। कसल कहते हैं, रियली तुम तो ये कह रहे थे कि तुम उसे रोकने वाले हो। मेरे उकसाने की वजह से वो हल्क की पिछवाड़े की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसके पिछवाड़े की तरफ गए। अगर दूसरे वाला एंटमैन होता तो वो अंदर ही घुस जाता। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन अवेंजर्स थोर और कैप्टन के बिना यहाँ पे क्यों आए हैं? आयरन मैन कहता है, ये अवेंजर्स कौन है और ये कैप्टन कौन है? कसल ने कहा, तुम हो और तुम्हारे साथ कैप्टन अमेरिका भी है। आयरन मैन ने कहा, वो तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद गायब हो गया था। कसल कहते हैं, ओह मैं तो भूल ही गया था। लीसा ने कहा, चलो आगे तुम्हारी कहानी मैं बताती हूँ। तुमने सभी को बचा लिया और फिर अवेंजर्स ग्रुप बनाया। कसल ने कहा, अरे मैंने उनकी मदद नहीं की, मैंने तो हल्क को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। देखो हल्क अवेंजर्स की प्रॉब्लम था, मेरी नहीं, और वैसे भी इन सब के पीछे लोकी का हाथ था। मैं तो कैप्टन के पास गया और 3 महीने वहाँ ठंड में ठिठुरने के बाद मैंने कैप्टन को आखिर ढूंढ ही लिया। फिर ये लोग खेलने लगते हैं। मारिया कह रही है, मैंने फ्रैंक को इतना खुश कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए। फ्रैंक कासल को भी खेलने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिस बॉल से खेल खेल कर बोर हो गया था। वो अपनी पतंग उड़ाना चाहता है। फ्रैंक कहता है, देखो मैं इन बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ तक लीसा की बात है, मैं समझता हूँ वो थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी है, लेकिन ये छोटा बच्चा, ये फ्रेडो तुम्हारे जैसा है। फ्रांसिस उस पतंग को लेकर इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसे इसी तरीके से पतंग उड़ाना आता है। फ्रैंक कहता है, मैं इस बच्चे का क्या करूँ यार। कसल ने कहा, ये मजे कर रहा है, करने दो, तुम्हें भी इसके साथ मजे करने चाहिए। कुछ देर बाद ये सब लोग थक कर बैठ जाते हैं। फ्रांसिस ने कहा, आप हमें अवेंजर्स के साथ एक और कहानी सुनाइए। लीसा ने कहा, और इसमें बहुत सारा एक्शन भी होना चाहिए, उस कहानी की तरह जहाँ आप वुल्वरिन के साथ लड़े थे। कासल कहता है, देखो बेटा, अगर सच कहूँ ना, मैं कभी पूरी तरह एक अवेंजर नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कैप्टन के लिए टाइम टाइम पे कुछ काम किया है। मैं ब्लैक विडो के साथ एक मिशन पे गया था। फ्रैंक ब्लैक विडो से कह रहा है, हे, हमें तो बैंक लूटने वालों की तरह कपड़े पहनने चाहिए थे। ब्लैक विडो कहती है, हमारी इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं हुई। कासल ने कहा, लेकिन हम यहाँ पे वैम्पायर्स के साथ नहीं लड़ रहे, हम एक ऑफिस बिल्डिंग में जा रहे हैं। इस मिशन के अंदर हमारे साथ और भी लोग थे, जैसे कि मॉकिंग बर्ड, हॉकआई, कैप्टन अमेरिका। हम सभी ने अपनी यूनिफॉर्म बदल रखी थी। मैं बिल्डिंग में घुसकर काउंटर की तरफ गया और वहाँ मौजूद आदमी से ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग होने की बात की। लेकिन वो आदमी तो कुछ बहुत ही ज्यादा चालू था। उसे सारे एम्प्लॉयज के नाम याद थे। वो समझ चुका था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। माफ करना, लेकिन वो इंसान नहीं था। फ्रैंक कहता है, तुम्हें बच्चों को ऐसी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। कासल ने कहा, माफ करना, मैंने बहुत सारा टाइम अकेले बिताया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि बच्चों को कौन सी कहानियां पसंद आती हैं। लगता है तुम लोगों ने मेरी बात गलत समझ ली। ये कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं था, ये एक मैजिकल ऑफिस था, पूरा कैंडी से भरा हुआ था। हम बस उन लोगों को और कैंडी देने आए थे। हमने उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर सभी लोगों को कैंडी बांटी। फिर हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे और लोग हमसे कैंडी मांगने आए। हमने उन्हें भी कैंडी दी। कैप्टन अमेरिका ऊपर से हमारे ऑर्डर्स का वेट कर रहा था और हम नीचे कैंडी देने में बिजी थे। लेकिन फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सर्वर रूम के अंदर कैंडी बॉम्ब रखे हुए थे। हमें वहाँ से भागना पड़ा। हालांकि हमारी जान बहुत मुश्किल से ही बच पाई। मैं बिल्डिंग से लटक चुका था, जबकि बिल्डिंग के अंदर ब्लैक विडो के पास कैंडी खत्म हो चुकी थी, जिसकी कमी ऊपर से होकाई ने गम ड्रॉप लॉन्चर फेंक कर की। तो ब्लैक विडो कैंडियां बांटने के काम में फिर से लग जाती है। इसके बाद उसने मुझे बचाया भी। वेल, हमें वो जानकारी तो नहीं मिल पाई जो हम लेने गए थे, लेकिन इतनी सारी कैंडियां खाने की वजह से मेरे दांत काफी मीठे हो चुके थे। देखो, तुम लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आई होगी, मुझे पता है। फ्रांसिस पूछते हैं, ये क्या बात हुई अंकल फ्रेडो, आप तो वहाँ पे कैंडियां बांट रहे थे और मुझे बिल्कुल भी कैंडी नहीं दी। कासल इन सबको एक साथ खुशियां मनाते हुए देखकर काफी खुश है। लेकिन तब वो टाइम आया, उसे पास से कुछ गुंडों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए कासल वहाँ से भागता है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, बस एक सेकंड के लिए, मैं वापस आने वाला हूँ, मेरा पीछा मत करना और ये जगह छोड़कर मत जाना। कुछ गुंडे वहाँ पे एक दूसरे गुंडे को मारने आए थे, लेकिन सिर्फ एक गुंडे को मारकर उन्हें खुशी नहीं होने वाली थी। वो प्लानिंग कर रहे थे कि मेले के अंदर कुछ और लोग भी मारे जाएंगे। गैस कासल वहाँ पहुँचता है, 3 में से 2 गुंडों को मार देता है और तीसरे की गन छीन लेता है। वो तीसरे को भी मारने वाला था, लेकिन वाचर वहाँ पहुँच जाता है। फ्रैंक कासल, तुम्हें रुकना होगा, कासल ने कहा। रिलैक्स वाटू, मैं कई दशकों से इतिहास को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं दिया। ये वर्ल्ड फिर भी वैसा का वैसा ही चल रहा है, कोई चीज मैटर नहीं करती।
अब तुम बताओ, अगर मैं एक अच्छी फैमिली की मदद कर देता हूँ तो कॉस्मिक स्केल के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है? वाचर ने कहा, सब चीज बदल जाएगी। अभी तक तुम इतिहास के साथ सिर्फ खेलते आए हो और छोटी मोटी छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पे घटना होने वाली है ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। ये हर यूनिवर्स में होकर ही रहेगी। अगर तुम इसे चेंज करते हो तो सारी रियलिटीज बदली जाएंगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे कामों से कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा करने में तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। फ्रांसिस कासल, तुम मैटर करते हो। तुम इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बन चुके हो। तुम गैलेटस के हेराल्ड रह चुके हो। मैं टाइटन किन थैनोस का दायां हाथ भी रह चुके हो। इनके लिए जो तुमने करोड़ों जाने ली और जिन लोगों को मारने में तुमने उनकी मदद की, उन सभी का बोझ तुम्हारे ऊपर है, जो कि काफी होता, लेकिन तुमने चीजों को और बिगाड़ने की सोची। तुम टाइम के अंदर वापस आ जाते हो और मार्वल के हीरोज की लाइफ के साथ छेड़छाड़ करते हो। रियलिटी के अंदर हर एक चीज तुमसे जुड़ी हुई है, और चूंकि इसी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई थी सभी टाइमलाइन में, यही एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर तुम इस फैमिली को बचा लेते हो तो सारी की सारी रियलिटी गायब हो जाएगी। धीरे धीरे टाइम एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, कासल ने कहा। तो शायद सभी चीजों के अंत का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर इस बेवकूफ को अपनी फैमिली को मारने नहीं दे सकता, माचर कहते हैं। रुक जाओ, शायद तुम इस बात को समझोगे। वो कासल की तरफ गन पॉइंट करता है। मुझे ये काम करने में बहुत दर्द हो रहा है, ये काम मेरे नाम के खिलाफ है, लेकिन अगर मुझे एग्जिस्टेंस को बचाना है तो ऐसा करना ही होगा। कासल पूछते हैं, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम्हें ने कहा था कि मैं इस यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हूँ, वाचर ने कहा। तुम सही कह रहे हो। और तब कासल अपनी बंदूक चला देता है। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।